चाहिए। जो ये काम हमने कहे, हम कैसे मदद कर रहे हैं देखिए आप। अगर किसी के परिवार में बुजुर्ग मां बाप है, डायबिटीज हो गया, रोज उनको गोलियां लेनी पड़ रही है, इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, अगर ये दवाइयां घर में ला दी, महीने का 2-2.5 हजार का खर्चा तो होता ही होता है। मध्यम वर्ग के परिवार पर 2-2.5 हजार का दवाई का बोझ लग जाता है, लेकिन अगर जन औषधि से ले आएंगे दवाई तो सिर्फ 100-150 रुपए में आपका काम चल जाएगा। हर गरीब परिवार का, मध्यम वर्ग के परिवार का 1000-1500 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन हम इसके लिए अरबों खरबों की जाहिरात नहीं करते भाई, हम तो गरीब के लिए जीते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं, मध्यम वर्ग के लिए जीते हैं, मध्यम वर्ग के लिए काम करते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अगर उन्हें ऐसे स्टोर में गए बहुत सस्ते में दवाई मिल जाएगी। इन केंद्रों से भी हर साल पंजाब के लोगों को करीब करीब 300 करोड़ रुपयों का फायदा हो रहा है। यहां के नागरिकों को दवाई के खर्चे में 300 करोड़ की बचत। भाइयों बहनों, ये मदद है कि नहीं है? ये मदद है कि नहीं है? ये आपका भला करने के लिए है कि नहीं है? क्या कभी हमने किसी अखबार में इश्तहार दिया है क्या, एडवर्टाइजमेंट दिया है क्या? इसी तरह हमारी सरकार ने जो स्टेंट के पैसे कम कराए हैं, हृदय की बीमारी हो, हार्ट का स्टेंट लगाना है, आजकल नी की बीमारी हो जाती है, 50-60 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है, नी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, इसमें भी हमने उसके दाम बहुत कम करवा दिए, कानून का उपयोग किया। और इसके कारण जिन जिन लोगों ने हृदय में अगर स्टेंट लगवाया है, हार्ट में ऑपरेशन करवाया है या नी ऑपरेशन करवाया है, उसके भी करोड़ों रुपयों की बचत हुई है। भाइयों बहनों, हेल्थ सेक्टर में काम कैसे होता है इसके ये उदाहरण मैं बताता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के बैंक खातों में 3700 करोड़ रुपया, 3700 करोड़ रुपया सीधा सीधा किसान के बैंक के खातों में जमा हुआ है अकेले पंजाब में। बीच में कोई कंपनी, कट की कंपनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई माफिया नहीं, सीधा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए किसान मुझे आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा? इसका लाभ पंजाब में करीब 23 लाख किसानों को मिला है, 23 लाख किसानों को। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत पंजाब में 75,000 से अधिक घर बनाए जा रहे हैं, और एक एक घर बनाने के लिए 1-1.25 लाख रुपया उनके खाते में भारत सरकार जमा करवाती है, ताकि वो पक्के घर में जिंदगी गुजारना शुरू करें। भाई, गरीबों को पक्के घर के लिए अकेले पंजाब को 2000 करोड़ रुपए से के भी अधिक की राशि दी गई है। इधर आंकड़े जोड़ दीजिए, मैं तो कुछ ही बता रहा हूं, ये सारा दिल्ली से पैसा पंजाब की धरती पर उतारने का हमने काम किया है। साथियों, उजाला स्कीम के तहत हमने बिजली बिल कम हो, तो पंजाब में पीएम मोदी की सभा, चूंटनी सभा ने आ समय खेडूतों की बात करी है कि केन्द्र सरकार खेडूतों ने कई रीते आपी रही है, कई रीते साचवी पण रही है, ने जे प्रश्नों तेने हल करवाना प्रयत्न कर रही है। आगळ वधीशुं अने बात करीशुं जूनागढ़ना शिवरात्रि मेळानी।
જૂનાગઢમાં ભવનાથનો મેળો યોજાશે, શિવરાત્રી પર યોજાશે ભવનાથનો મેળો. કલેક્ટરે ભવનાથના મેળાને આપી છે મંજૂરી. કોરોના ગાઈડલાઇન્સ સાથે ભવનાથનો મેળો યોજાશે, દરેક શ્રદ્ધાળુઓને મેળામાં છૂટ. તો છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોનાના કારણે નિયંત્રણો સાથે પ્રતિકાત્મક રીતે ભવનાથનો મેળો યોજાતો હતો, પરંતુ આ વર્ષે દરેક શ્રદ્ધાળુઓને મેળામાં માલવાની છૂટ અપાય છે. જોકે મેળામાં માસ્ક, ડિસ્ટન્સ સહિતની ગાઈડલાઇનનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે. મહાશિવરાત્રી પર ગિરનાર નિગોદમાં ભવનાથ તળેટી પર 5 દિવસીય મેળો યોજાય છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતો, ભાવિક ભક્તો ઉમટે છે. દેશના વિવિધ વિસ્તારમાંથી હજારો સાધુ સંતો આવીને ભવનાથમાં ધૂણી ધખાવે છે. મેળાનું મુખ્ય આકર્ષણ નાગા સાધુઓની રવેડી છે, અને આ મેળામાં સૌ પ્રથમ મંદિરમાં પૂજન અર્ચન કર્યા પછી મંદિરમાં ધ્વજનું રોહણ કરી મેળાનો શુભારંભ કરવામાં આવે છે. મેળામાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્ટોલ ઉભા કરવામાં આવે છે, જેમાં નાના મોટા વેપારીઓને રોજગારી મળે છે. તો 5 દિવસ સુધી ભજન, ભોજન, ભક્તિનું સંગમ જોવા મળે છે. તો ભવનાથ મેળાને મંજૂરી આપી છે. 5 દિવસીય મેળો અહીં યોજાય છે. મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતો ઉમટે છે, ભાવિક ભક્તો ઉમટે છે.